अगर हम फ्रीलांस के बड़े प्लेटफॉर्म का नाम लें तो उनमें सबसे पहला नाम जो आता है हमारे जहन में वो है fiverr.com। उसके बाद जो आता है वो है upwork.com। अगर हम fiverr.com की बात करें तो fiverr.com पे $5 से लेके $50, $100 तक के ऑर्डर जो हैं वो ईजिली मिल जाते हैं, और जो कम ऑर्डर मिलते हैं वो $5, $10, $15, $20, इसमें तो आम ऑर्डर जो हैं वो मिलते हैं। इसलिए ज़्यादा लोग जो हैं वो फाइबर को प्रेफरेंस करते हैं, क्योंकि वो वहाँ से छोटे छोटे ऑर्डर जो हैं मिलते जाते हैं। अगर हम तो बात करें अपवर्क की, तो अपवर्क पे आपको परमानेंट जॉब भी मिलती है और आपको बड़े बड़े ऑर्डर भी मिलते हैं। उसमें बड़े बड़े क्लाइंट्स भी आपको मिलते हैं, इसमें $500, $600, $1000 के भी ऑर्डर मिलते हैं, और वो बड़े बड़े ऑर्डर होते हैं। इसमें कम ऑर्डर भी होते हैं, $50, $100 के भी ऑर्डर होते हैं। लेकिन जैसे हम फाइबर की बात कर रहे थे तो फाइबर में $5, $10 के जो बहुत ज़्यादा ऑर्डर होते हैं। इसी तरह की आज एक आसान स्किल मैं आपके लिए लेके आया हूँ, जो कि है सिर्फ $10 की। $10 जो है वो आप सिर्फ 5 मिनट में अर्न कर सकते हैं, और वो छोटी सी स्किल है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ अख्तर रसूल, और आपको मेरे चैनल पे मिलती हैं डेली बेसिस पे ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड वीडियोस, यूट्यूब ब्लॉगिंग, कंटेंट राइटिंग। अगर इनमें से किसी एक पे भी इंटरेस्टेड हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज मेरे पास एक क्लाइंट का ऑर्डर है जो कि है $10 का, और ये ऑर्डर है फाइबर से रिलेटेड। फाइबर से ऑर्डर लेना है, और किस तरह आपने फाइबर पे सबमिट करना है ये आपके साथ लाइव होगा। इसी ऑर्डर को मैं आपके साथ लाइव कम्प्लीट करूँगा, और आप भी इसी तरह ऑर्डर लेके इसको कंप्लीट कर सकते हैं। ये आसान सी स्किल है। सबसे पहले आप देख रहे होंगे ये मेरे पास एक प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट है ईमेल वेरिफिकेशन वर्क का, और इस प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट है वो $10 है, और कंप्लीशन टाइम जो है वो हमें 1 दिन का मिला हुआ है। ये आप देख रहे होंगे यहाँ पे काफ़ी सारे ईमेल्स हैं, और यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर है, और यहाँ पे वो हमें कह रहे हैं जी ईमेल का हमें स्टेटस क्लियर करें कि ये ईमेल जो है ये वैलिडेट है या ये एक्सपायर हो चुकी हैं। आपका काम जो है वो आपने यहाँ से जो ईमेल्स हैं ये इनको कॉपी पेस्ट करना है, और कॉपी करना है, और वहाँ पे एक मैं आपको वेबसाइट बताता हूँ, वहाँ पे जाके आपने इसको पेस्ट करना है, और वो आपको बताएगी कि ये ईमेल वैलिडेट है या ये एक्सपायर हो चुकी है। वो स्टेटस आपने यहाँ पे मेंशन करना है, और आपका काम ख़त्म। ये लिस्ट कम्प्लीट होगी, आपने एज इट इज़ अपने क्लाइंट को वापस भेज देनी है। आपके $10 जो हैं वो आपके अकाउंट में आ जाएंगे। आपने जाना है गूगल पे, और वहाँ पे टाइप करना है क्लियर आउट। क्लियर आउट जो है एक वो वेबसाइट है जहाँ से हम ईमेल चेक करेंगे कि ये ईमेल वैलिडेट है या नहीं है। यहाँ से ऊपर एक स्पॉन्सर पोस्ट आ रही है, नीचे यहाँ पे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट आ रही, इसको करेंगे क्लिक। क्लिक करेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा यू शैल नेवर नाउ अनलेस यू ट्राई ईमेल वेरीफायर। तो यहाँ पे हम जो अपनी ईमेल है वो इसको करेंगे पेस्ट, और वो हमें बताएगा कि आपकी ईमेल जो है वो वैलिडेट है या नहीं है। यहाँ पे ट्राई ईमेल वेरीफायर पे के चलते हैं, और यहाँ पे हम जो हमारे पास लिस्ट है उसमें से कोई भी ईमेल वहाँ से पिक करते हैं और यहाँ पे ला के पेस्ट करते हैं, और ये हमें स्टेटस इसका बताएगा। यहाँ पर हमने ईमेल पेस्ट की है, और ईमेल पेस्ट करने के बाद हमने इसको एंटर प्रेस करना है। एंटरप्रेस करेंगे तो थोड़ी देर के बाद ये आपके पास स्टेटस आ गया, इट इज़ सेफ टू सेंड, और ईमेल जो है ये वैलिड है, और रीज़न इसकी सक्सेस है, और अकाउंट सोर्स जो है वो भी उसने बताया है, डोमेन भी इसने बताई है, डिस्पोजिबल नंबर नो है, फ्री अकाउंट यस है, इसने सारा इसका जो स्टेटस है वो हमें बता दिया है। ये ईमेल जो है ये वैलिडेट है, हम इसको कहेंगे कि ये ईमेल ठीक है, वैलिडेट है, तो हम इसको यहाँ पे जाके दोबारा से अपना स्टेटस अपडेट करते हैं ये वैलिड है। एक साइट मैंने आपको बता दी है जो कि है क्लियर आउट के नाम से। सेकंड जो साइट है वो मैं आपको बताता हूँ, वो उसका नाम है मेल मिट्योर। मेल मिट्योर पे भी आएंगे तो सेम इसी तरह का वो भी आपको ईमेल चेक करके देंगी, क्योंकि इसकी बहुत सारी पेड भी हैं और फ्री भी हैं। ये दोनों फ्री में हैं, क्लियर आउट भी और मेल मिट्योर भी। तो हम अभी जो नेक्स्ट करेंगे चेक वो करेंगे मेल मिट्योर से। आपके पास ज़्यादा ऑप्शन होनी चाहिए ताकि आपको काम करते हुए कोई मुश्किल ना हो। यहाँ पे इसके सबसे नीचे भी जाएंगे, और नीचे यहाँ पे है ईमेल चेकर। ईमेल चेकर को क्लिक करेंगे तो ये आपके पास ऑप्शन आ जाएंगी। यहाँ पे आपने वो ईमेल जो है वो पेस्ट कर देनी है, और यहाँ पर क्लिक करना है वेरीफाई पे। वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो थोड़ी देर बाद आपके पास इसका भी स्टेटस आ जाएगा।
और ये भी कह रहे हैं कि ये भी ईमेल जो है वो वैलिडेट है, ये भी ईमेल ठीक है। यहाँ पे दोबारा से हम अपना स्टेटस जो है वो दोबारा अपडेट कर लेते हैं, इसको भी वैलिड कर देते हैं। अब नेक्स्ट वाली जो है वो भी चेक कर लेते हैं इसी तरह कि वो वैलिडेट है या नहीं है। यहाँ पे इसको करते हैं सिलेक्ट, यहाँ पे वेरीफाई किया और ये भी वैलिड है। आपने इसी तरह सारी ईमेल जो है वन बाई वन वो आपने पेस्ट करनी है और यहाँ पे वो आपको स्टेटस बताता जाएगा कि ये वैलिड है या नहीं है। जब आपकी वो एक लिस्ट होगी जो 100 ईमेल की होगी या 200 ईमेल की होगी, वो जैसे ही कंप्लीट होगी आप उसको PDF करना है या उसका एक लिंक बनाना है उस पर जाके गूगल डॉक्स पे, फिर वो आपने अपने कस्टमर को सेंड कर देना। जिस तरह कस्टमर ने आपको सेंड की होगी मेल, अगर उसने PDF में किया तो आप भी उसको रिटर्न में PDF में करें, अगर उसने लिंक सेंड किया तो आप भी रिटर्न में उसको लिंक सेंड करें ताकि वो उसको मेल जो है उसी फॉर्मेट में मिल जाए दोबारा। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने fiverr.com से ऑर्डर किस तरह लेना है और इसकी जॉब जो है और गिग जो है वो आपने किस तरह क्रिएट करनी है। fiverr.com पे आने के बाद हमने यहाँ पे ईमेल वेरिफिकेशन जो है वो ओपन की है और इसका सबसे बड़ी जो चीज़ मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे अगर मैं आपको एक इसकी ख़ास बात बताऊँ तो यहाँ पे सिर्फ 244 लोग जो हैं वो इसकी सर्विसेज दे रहे हैं। ये कोई बहुत ज़्यादा लोग नहीं है, पूरी दुनिया से जो लोग हैं वो 244 हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो पहला बंदा है ये पहली बंदी है और इसको जो 193 ऑर्डर मिले हुए हैं इसमें से, और ये पाकिस्तानी है। और ये सेकेंड नंबर पर जो आ रहा है ये भी पाकिस्तानी है, इसको भी 339 ऑर्डर मिले हुए हैं, इतने ज़्यादा इसको ऑर्डर मिले हुए हैं। और ये लेवल 2 का सेलर है और ये लेवल 1 का सेलर है, इसको 17 ऑर्डर मिले हुए हैं। ये भी लेवल 1 का सेलर है और इसको भी 36 ऑर्डर मिले हुए हैं। इस तरह आप जितने भी नीचे जाते जाएंगे सब के पास ऑर्डर हैं, ऐसा नहीं है कि किसी के पास ऑर्डर नहीं है। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे नीचे में आ गया हूँ तो नीचे भी लोगों के पास ऑर्डर है, इसको 9 ऑर्डर मिले हुए, इसको भी 1 ऑर्डर मिला हुआ है, इसको भी 1 ऑर्डर मिला हुआ, जितना भी नीचे आप जाते जा रहे हैं इसको भी 3 ऑर्डर मिले हैं, इसको भी 2 ऑर्डर मिले हुए हैं। तो ये सारे लोगों के पास ऑर्डर है, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ टॉप पे जो नज़र आ रहे हैं उसके। तो ये जो फर्स्ट नंबर पे आ रहा है इसको हम चेक कर लेते हैं कि ये क्या चार्ज कर रहे हैं। ये तैयबा है और पाकिस्तान से है और यहाँ इसका बेसिक जो है वो प्लान है, बेसिक 1000 जो है 10,000 ईमेल जो चेक करती हैं और इसका वो चार्ज करती हैं 1458 रुपये। और इसका स्टैंडर्ड प्लान हम चेक कर लेते हैं, स्टैंडर्ड प्लान में वो 1,00,000 ईमेल चेक करके बताएंगी आपको और 14,572 रुपये चार्ज करेंगे। और इसका जो प्रीमियम प्लान है उसमें 5,00,000 ईमेल वेरिफिकेशन करके देंगी आपको और इसका वो चार्ज करेंगी 72,850। ये जो ईमेल्स आती हैं, ये जो ईमेल का काम आता है ये बल्क में आता है, ये कम नहीं आती, 30,000, 30,000, 40,000, 50,000, 1,00,000 तक भी ईमेल आती हैं, 2,00,000, 3,00,000, 4,00,000, 5,00,000, इस तरह इसके बड़े बड़े ऑर्डर आते हैं। ये ईमेल्स कंपनीज हैं ये सारी इसको वेरिफिकेशन करवाती हैं इसकी, और ये तकरीबन हर 2 से 3 महीने के बाद ये करवाती रहती हैं। और दुनिया में बहुत सारी ईमेल कंपनीज हैं, ये ऐसा नहीं है कि ईमेल एक ही है, ईमेल की बहुत सारी कंपनीज हैं, इसलिए ये काम ख़त्म नहीं होता। और इसका जो अभी मैं आपको गिग ओपन की हुई तो इसने 602 ऑर्डर जो हैं वो कंप्लीट किए हुए हैं, ये पाकिस्तान से है और इसने 602 ऑर्डर जो हैं वो कंप्लीट किए हुए हैं। और ये आप इसकी गिग भी नीचे देख सकते हैं और ये लेवल 2 की सेलर है। छोटी छोटी जो स्किल्स होती हैं उनको अगर आप सीख लेंगे तो इस तरह की मुफीद और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।